Assalamualaikum, welcome back to लजीज recipes। आज हम चाइनीज पकोड़ा की रेसिपी देखेंगे। ये स्ट्रीट फूड है, आज हम इसे घर पर बनाना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं चाइनीज पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। हमने 4 कप पत्ता गोभी को बारीक चॉप कर लिया है, 1 कप गाजर को भी बारीक चॉप कर लिया है, 1 कप हमने मैदा लिया है, 1/2 कप कॉर्न फ्लोर लिया है हमने, 1/2 कप हमने चावल का आटा लिया है राइस फ्लोर, थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है, 1/2 कप हमने स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते लिए हैं, 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस और 2 टेबलस्पून हमने शेजवान चटनी ली है। हमने साथ में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून रेड फूड कलर। अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हमें फ्राई करना है। मिक्सिंग बाउल में हम पत्ता गोभी ऐड करेंगे। उसके साथ हम चॉप करी हुई गाजर ऐड कर लेंगे। स्प्रिंग ऑनियन भी डाल लेंगे इसमें। चॉप किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, शेजवान चटनी, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। अब हम इसे मिलाएंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। नमक ऐड करने की वजह से पत्ता गोभी ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ये सब आटे मिला लेंगे, मैदा ऐड करेंगे, राइस फ्लोर और कॉर्न फ्लोर। राइस फ्लोर ऐड करने से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसे दोबारा मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, वरना ये बहुत पतला हो जाएगा और फ्राइंग में प्रॉब्लम होगी। अगर इनकेस आपने ज़्यादा पानी ऐड कर लिया है तो आप इसमें थोड़ा आटा और ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इस तरह से हमें बैटर चाहिए, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, ड्राई ही रखना है। बैटर अब रेडी हो चुका है, अब हम पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था, अब हम चेक करते हैं। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। मीडियम साइज के इस तरह से हम बॉल्स इसमें ऐड करते जाएंगे। पकोड़े ऐड कर लेने के बाद फ्लेम को कम कर दे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। अब हम इसे पलटाएंगे
अच्छे से फ्राई होने देंगे। पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। चाइनीज पकौड़ा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।